सबसे जो बड़ा झटका है उन सांसदों को लगा है जिनको जो है लोकसभा से इस्तीफा दिलाया गया है, और इसके अलावा सांसदों को अब क्या जिम्मेदारी होगी, क्या उनका रोल होगा अगले जो चुनाव होंगे उसमें किस तरीके का रोल होगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर उठकर खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में जिन 7 सांसदों को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था, अब उसका क्या असर होने वाला है, क्या विधानसभा में किस तरीके से वो नज़र आएंगे, क्या उनकी भूमिका होगी, इन तमाम बातों को लेकर जो सांसद हैं सीधी से सांसद हैं रीति पाठक, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या अब सांसदों का बड़ा रोल होगा। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन बाकी सांसदों का क्या रोल होगा हम ये जानकर करेंगे। मैडम एक बड़ा आप लोगों को एक आप सांसद थी, सांसद के बाद आपको विधायक बनी, अब क्या लगता है मैडम कि आप सांसदों का क्या रोल होगा? मैं पहले सांसद थे, आप विधायक बन चुकी हैं। मैं पहले कार्यकर्ता बनी, फिर उसके बाद हमें ये जिम्मेदारी दी गई, फिर मैं तब भी कार्यकर्ता थी, आज भी कार्यकर्ता हूँ और आगे भी कार्यकर्ता रहूंगी अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो। ये तो सिर्फ एक जिम्मेदारी है जो मैं विधायक के रूप में भी निर्वहित कर रही हूँ, जो मैं सांसद के रूप में भी निर्वहित कर रही हूँ। 2024 में फिर से सांसद का चुनाव भी लड़ सकते हैं क्या आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का निर्णय ही हमारे लिए सर्वप्रथम, हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है, इसलिए जो भी आदेश मिलेगा, जो भी निर्णय होगा, हम सभी चाहे जो भी हो मानने के लिए तैयार। तो ये सांसद हैं रीति पाठक, उनका कहना है कि पार्टी का जो फैसला आएगा, जो पार्टी कहेगी, उस फैसले को वो मानने का काम करेंगे। तो भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव।